मुठभेड़ हुई है जिसमें दो अपराधियों को गोली लगी है। हमारे साथ बात करने के लिए एसएसपी लखनऊ मौजूद है। सर, जिस तरह से ये मुठभेड़ हुई है, किस तरह से देखते हैं और बाहर के लोगों का हिंदुस्तान में और खासकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आकर घटनाओं को अंजाम देना, किस तरह से देखते हैं? देखिए, यह हमारे लखनऊ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। लास्ट ईयर जब हम लोग जिसमें यहाँ ज्वाइन किए थे, इसी गर्मियों में बांग्लादेशी लोगों के द्वारा डकैतियाँ डाली गई थी और उसको हम लोगों ने जो उसके कॉल डिटेल के आधार पर उनको हम लोगों ने उस समय सर्च किया था। हम लोगों को कल एक टिप ऑफ मिला, हमारी सर्विलांस सेल को और हमारी टीम लगी हुई थी, कि एक गिरोह है जो कि कानपुर से चलने वाला है और जो कि बांग्ला बोलता है, उस गिरोह के द्वारा इस तरह घटना को अंजाम दिया जा सकता है और दो दिनों से वो सक्रिय हैं। कल हमारी पूरी टीम डीजीपी सर के निर्देश पर लखनऊ की सभी पुलिस और हम लोग रात में पूरे गश्त पर थे और इनकी चूंकि मॉडस ऑपरेंडी ये रहती है कि ये जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के ही इर्द गिर्द वो लोग इस तरह का काम करते हैं, इसीलिए डालीगंज से लेकर के जो हमारा मल्होर तक का जो बेल्ट है, इन जगहों पर बांग्लादेश में उसका कहना था कि घाट मालिक होते हैं जिन्होंने कि बैनापुर एक जगह है मालदा के पास, वहाँ उसको बॉर्डर क्रॉस कराया, उसके बाद कालका मेल से वह कानपुर आया, उसके बाद उसने यह इस घटना को अंजाम दिया। इनका कहना था कि बस से ये लोग कानपुर से लखनऊ आते थे, उसके रेलवे ट्रैक के सहारे ये लोग जाते थे और रेलवे ट्रैक से सटे हुए जो घर रहते थे रेलवे ट्रैक के 200, 400, 500 मीटर के रेंज में, वहाँ पर ये लोग डकैती डालते थे ऐसे घरों में जहाँ रेकी कर चुके होते थे। और बाहरी आदमी था और उसने इस बात को स्वीकारा, उसके पास फोटोग्राफ, बांग्लादेशी पासपोर्ट और हमारे पास जो फैक्चुअल रिकॉर्ड्स हैं और जो मोबाइल कॉल डिटेल्स हैं, उस आधार पर हम लोग सटीक तरह से कह सकते हैं कि वो बांग्लादेशी सिटीजन है। बहुत गौरवपूर्ण दिन आज हमारे लखनऊ पुलिस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करते हैं आपसे दीपक कुमार जी का। सीधे तौर से कहना है कि तमाम ऐसे अपराधी हैं जिनको महज 5,000 रुपए लेकर बॉर्डर पार करा दिया जाता है। इस गिरोह का भंडाफोड़ हो चुका है, आगे भी ये कार्रवाई लगातार और सतत रूप से जारी रहेगी। अरविंद के साथ अभिषेक मिश्रा, भारत समाचार, लखनऊ।